हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स। चलिए दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, भारत में प्रथम वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 10 अगस्त, ऑप्शन डी 18 अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 25 जनवरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 12। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 32। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन ए कुमार संगकारा, ऑप्शन बी कुशल मेंडिस, ऑप्शन सी थरंगा परनावीताना, ऑप्शन डी दिनेश चांदीमल। हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुमार संगकारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 12 अप्रैल, ऑप्शन डी 15 मई। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है 24 जनवरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की? ऑप्शन ए पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई, ऑप्शन बी पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर, ऑप्शन सी पूर्व न्यायाधीश दीपक मिश्रा, ऑप्शन डी पूर्व न्यायाधीश जगदीश सिंह खेर। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने यूएई की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी ईरान। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इजराइल। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रेटरी संधि को कितने साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन ए 7 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 3 साल और ऑप्शन डी 4 साल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 साल। अगला क्वेश्चन है, एक लाइन में उत्तर है, स्पेन के स्टार्ट बैडमिंटन खिलाड़ी कैटलिना मारिन ने महिलाओं के किस सिंगल्स टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है? दोस्तों इसका सही आंसर है थाईलैंड ओपन। अगला क्वेश्चन, आज किस प्रदेश का स्थापना दिवस यानी कि 25 जनवरी 1971 को स्थापित मनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण नेपाल की किस पार्टी ने प्रधानमंत्री पद पर काबिज केपी शर्मा ओली को ही पार्टी से निष्कासित कर दिया है? दोस्तों इसका सही आंसर है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अंतरिक्ष में एक साथ पहली बार 143 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने का कारनामा किया है? इसका सही आंसर है SpaceX। दोस्तों ये कंपनी एलन मस्क की कंपनी है। दोस्तों धन्यवाद, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।